पानी में नींबू और चीनी डालो तो बनता है शरबत, खट्टा मीठा। पर नींबू और चीनी कहाँ गायब हो जाते हैं? समुंदर का पानी खारा क्यों है? आज बात पानी के एक और अनोखे गुण की। पानी सार्वभौमिक विलायक, वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी की इस खूबी को समझते हैं खेलकर। हमने लिया पानी और तेल। इस खेल को खेलने के लिए दो द्रव और उनमें घोलने के लिए नमक, चीनी, हल्दी, मिट्टी, ग्लिसरिन और शहद। पानी में क्या घुलता है और क्या नहीं? हमने डाला नमक। पानी में नमक घुल सकता है। अब डाली चीनी। शहद डालेंगे तो क्या होगा? मैं देखा कि शहद उसमें पानी में मिल गया और वो पानी के साथ ही था। अब आई ग्लिसरिन की बारी। ग्लिसरिन भी पानी में ऐसे घुली कि गायब हो गई। मिट्टी का क्या? और हल्दी को मिलाएंगे पानी में तो क्या होगा? हल्दी डाली तभी है ना, पूरा उसका रंग बदल रहा था। हल्दी और मिट्टी का रंग आ गया पानी में, लेकिन दोनों कम मात्रा में ही घुली। लेकिन ज्यादातर चीजें पानी में घुल गईं। अब लेते हैं आज का दूसरा द्रव, मतलब तेल। उसमें घोलेंगे ये सभी चीजें और देखेंगे क्या घुलता है क्या नहीं। चीनी तो बैठ गई नीचे, नमक का भी यही हाल, कितना भी मिला लो घुलता नहीं। शहद और ग्लिसरिन को भी मिलाकर देखते हैं क्या वो घुलेंगी। तेल में शहद डाला, नमक डाला, शक्कर डाला, तेल में डाला तब वो जम नीचे जम गया, घुला नहीं। पानी और तेल दोनों द्रव, लेकिन दोनों समान रूप से घुलनशील नहीं। जो पानी उसमें ज्यादा से ज्यादा चीज घुली और जो तेल है उसमें एक भी चीज नहीं घुला। यही है पानी की एक और अनोखी खूबी। उसमें बहुत सारे पदार्थ घुलते हैं। अन्य किसी भी द्रव के मुकाबले वो धरती पर बहुत मात्रा में उपलब्ध, इसीलिए विज्ञान की भाषा में वो सार्वभौमिक विलायक, इंग्लिश में यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब जल्दी से समझ लेते हैं काम के कुछ नाम। जिस द्रव में चीज को घोला जाता है वो होता है विलायक, सॉल्वेंट। जिस चीज को घोला जाता है वो होता है विलेय, सॉल्यूट। विलायक और विलेय जब मिलते हैं तो बनता है विलयन, मतलब सॉल्यूशन। विलयन, समझे ना? शरबत बनाओ तो पानी है विलायक, नींबू और चीनी विलेय, और शरबत हुआ विलयन। अगर हम शरबत को छानेंगे तो क्या चीनी और नींबू अलग हो जाएंगे? नहीं ना, इसीलिए तो ये है विलयन, ऐसा घोल जिसमें दो या अधिक चीजें एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाएं। इन्हें हम छानकर अलग नहीं कर सकते। तो नींबू चीनी का शरबत तो विलयन है, लेकिन हल्दी का पानी में घोल, उसे छानो तो पानी और हल्दी अलग, इसलिए वो विलयन नहीं। मिट्टी भी पानी में कम घुलती है और विलयन नहीं बनाती। विलयन क्या है, इस समझ के साथ खेलते हैं एक और खेल, कितना खारा पानी। पानी से भरे ग्लास में धीरे धीरे नमक मिलाया तो कितना नमक पानी में घुल गया। पानी थोड़ा ही ऊपर आया, मानो पानी में इतनी जगह कि नमक भी उसी में समा गया। ऐसा कैसे हो गया?
इसे समझते हैं कंचे और राई लेकर। कंचों से भरा है ग्लास पूरी तरह ऊपर तक, लेकिन अगर हम इसमें राई के दाने डालें तो मिल गई ना राई को जगह, समा गई वो कंचों के बीच की जगह में। ऐसा ही हुआ नमक और पानी में भी। नमक पानी के अणुओं के बीच की जगह में समा गया, बन गया नमकीन विलयन। सभी घुलने वाले विलेय इसी तरह पानी के अणुओं के बीच की जगह में समा जाते हैं। पानी में इतने सारे पदार्थ घुलने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, पानी के अणु का ध्रुवीय होना। याद है ना, पानी के अणु में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवेश होते हैं। इस बात को आप पानी अनोखा अणु वीडियो देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरा कारण, पानी के अणुओं के बीच में थोड़ी दूरी होती है, बीच की खाली जगह। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक स्थान, इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। पानी सार्वभौमिक विलायक तो है, लेकिन सभी चीजें पानी में भी नहीं घुलती। चर्बी हो या तेल, वो पानी में नहीं घुलते, कितना भी मिला लो। पानी और तेल कभी मिक्स नहीं हो सकते। लेकिन वो बात कभी और। अभी बात पानी में घुलने वाली चीजों की। सिर्फ लवण और ठोस कण ही नहीं, पानी में घुल जाती हैं गैसेस भी, जैसे ऑक्सीजन। तभी तो पानी में इतने सारे प्राणी जिंदा रह पाते हैं, सांस ले पाते हैं। इसके अलावा पानी में और भी गैसेस घुलती हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। वो होते हैं पानी में घुली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के बुलबुले। आपने सोडा तो पिया ही होगा, क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सी गैस होती है? रहा सवाल समुंदर के पानी का, तो समझना मुश्किल नहीं। नदियों का पानी जब दूर दूर से बहता हुआ आता है तो रास्ते में मिलते हैं बहुत से पत्थर, चट्टाने। उन्हीं के लवण मतलब सॉल्ट्स पानी में घुलते जाते हैं और समुंदर के पानी को खारा बनाते हैं। इसी कारण तो हम उसे पी नहीं सकते। तो देखें, पानी सार्वभौमिक विलायक एक बार और। पृथ्वी पर पानी की प्रचुर मात्रा और पानी में बहुत सारे पदार्थ घुलते हैं, इसीलिए वो है सार्वभौमिक विलायक। पानी की इस खूबी के दो कारण, पहला कारण उसके अणुओं का ध्रुवीय होना और दूसरा कारण पानी के अणुओं के बीच की खाली जगह, जिसे कहते हैं अंतर आणविक स्थान। तैलीय पदार्थ और चर्बी पानी में बिल्कुल नहीं घुलते। हल्दी और मिट्टी पानी में कम मात्रा में घुलते हैं। और अब आप बूझो कि हमारे खाने का नमक कहां से आता है और कैसे बनता है। बूझो और चर्चा करो। पानी तो है बड़ा अनोखा झटपट घोले चीजों को। नमक जो डालो हो नमकीन, रंग जो डालो हो रंगीन। कर पाता कैसे ये काम, कारण है उसके दो गुण। उसके अणुओं के बीच में दूरी, जगह दे विलय को पूरी पूरी। दूजा कारण इसके दो चार्ज, ध्रुवीय अणु है ये महाराज। इसीलिए तो चलाए पानी जीवन के सब काज।